आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा पर। इस देश का विशाल हृदय मैदानों में रहता था, वो उन वनों में रहता था, वो उन पर्वत शिखरों पर रहता था जहाँ से हमारे मनीषी प्रेरणा ग्रहण करते रहे थे। जिन नदियों का स्रोत उत्तर में था, हिमालय में था, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, वो हमारे संस्कृति का जनक। संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत और ज्योतिष के विद्वान कला मर्मज्ञ पंडित नरेंद्र शर्मा सही अर्थों में मानव रत्न थे। एक ज्योति पुंज की भांति उनका दिव्यमान व्यक्तित्व अपने आसपास के हर व्यक्ति को स्नेह की ज्योत्सना से शीतल कर देता था। विज्ञापनों और वृत्तचित्रों की मशहूर आवाज और संगीतकार ब्रज भूषण के शब्दों में, पंडित नरेंद्र शर्मा से मेरी मुलाकात कई मौकों पर हुई। वो एक बहुत विनम्र, मिलनसार, सरल हृदय व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर एक तपस्वी का तेज रहता था। वो मूर्धन्य कवि, गीतकार तो थे ही, एक बेहतरीन इंसान भी थे। उनके सानिध्य में जो भी आया उसके हृदय पर उनके मिलनसार सहृदय व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी। पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी सन 1913 में खुर्जा के बुलंद शहर के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित पूरनलाल जी गौड़ जहांगीरपुर ग्राम के पटवारी थे। स्वभाव से कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और सात्विक पिता के ये गुण पुत्र नरेंद्र की विरासत बने। जीवन पर्यंत पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस विरासत को सहेज कर ही नहीं रखा, वरन इस विरासत के साथ जुड़ी मर्यादा और परंपरा का निर्वाह भी किया। भारतीय संस्कृति का एक मंगल दीप थे वो। आप हैं अभिनेता और संगीतकार शेखर सेन। वो बड़े ही आग्रही थे, लेकिन उनका आग्रह जो था वो कहीं भी दुराग्रह नहीं होता था। स्नेह से, प्यार से और आनंद से जो कुछ भी अच्छा घटित हो सके वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और एक उनका वाक्य मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जब एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी प्रेम किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि प्रेम उसे कहते हैं जब आपको किसी की बुराई भी अच्छी लगने लगे तो समझिए कि आपको प्रेम हो गया है। पंडित नरेंद्र शर्मा की स्कूली पढ़ाई खुर्जा के उस स्कूल में हुई थी जिसके हेडमास्टर थे जगदीश चंद्र माथुर के पिता श्री लक्ष्मी नारायण माथुर। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की थी। 1934 में आपने प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। इलाहाबाद में पंडित नरेंद्र शर्मा के जीवन को एक नई दिशा मिली। ये बात 1937 की है। आप हैं पंडित नरेंद्र शर्मा के सुपुत्र परितोष शर्मा। तब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे 1937-38 के काल में। केंद्रीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जब भी कोई बैठक होती थी और गांधी जी जब कभी हिंदी में कुछ बोलना शुरू करते तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्य ये निवेदन करते, बापू इन इंग्लिश। तो गांधी जी ने कहा एक शर्त पर कि जो कुछ मैं कहूं इंग्लिश में उसका तुरंत अनुवाद हो और उसकी प्रति आप अपने पास रखें, चाहे आप हिंदी जाने या न जाने। इसमें तीन अपवाद भी थे। जमनालाल जी बजाज, उनका हिंदी पर पूर्ण अधिकार था और हिंदुस्तानी भाषा के जानकार थे, खान अब्दुल गफार खान जी और मौलाना जी आजाद। तो मेरे पिता को नियुक्त करने से पहले ये बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इनको कही, आचार्य कृपलानी जी को। कृपलानी जी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि नियुक्ति का अधिकार मेरे पास नहीं है, ये नियुक्ति का अधिकार केवल नेहरू जी के पास है। तो नेहरू जी ने इनका एक तरह से इंटरव्यू लिया स्वराज भवन में, पैदल चलते चलते स्वराज भवन के लॉन में, कभी 150 कदम बाईं ओर तो कभी 200 कदम दाईं ओर। बाद में जब 2.5 घंटे बीत गए तो मेरे पिता ने यह सोचा कि बहुत समय मैं ले रहा हूं, मुझे उनसे आज्ञा मांगनी चाहिए। तो कहा कि अब मैं
चलूं, कब से मुझे आना है? तो नेहरू जी ने इसका उत्तर दिया, कब का क्या मतलब, अभी आपकी मेज लगवाए देते। तो तभी से मेरे पिता ने नेहरू जी के साथ काम करना शुरू किया और 3 वर्षों तक कार्य करते रहे। और नेहरू जी मेरे पिता की प्रतिभा से प्रभावित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। उन्हें 1940 में वॉइस रॉय के ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी अपील, वकील या दलील के। वो 2.5 साल जेल में रहे और जब छूटे तब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बंद हो चुका था। उन्होंने कुछ समय काशी विश्वविद्यालय में हिंदी और इंग्लिश के प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया था, वो भी बंद हो चुका था। तो अब कोई विकल्प उनके पास था नहीं। जैसा कि लोगों को ज्ञात है, बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार जी काम करते थे, कवि प्रदीप गीत लिखते थे। ये दोनों ने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दी थी। देविका रानी जी ने भगवती चरण जी वर्मा, जो संवाद और पटकथा लिखते थे, उनसे ये निवेदन किया कि कोई गीतकार की हमें आवश्यकता हो जो किसी भी तरह हमारे पूर्व गीतकारों से कम न हो। तो उन्होंने नरेंद्र शर्मा का नाम सुझाया। मैंने कहा भगवती बाबू, वहाँ हम करेंगे क्या? वहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अजनबी आदमी हूँ मैं और बिल्कुल अनाड़ी की तरह से वहाँ मैं करूँगा क्या? कहने के नहीं जी, वो संस्था बहुत ही अच्छी है, जैसे तुम कॉलेज में रहते थे हॉस्टल में ऐसा ही तुमको अनुभव होगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये स्वर है पंडित नरेंद्र शर्मा का। मैंने कहा भगवती बाबू, वहाँ तो उर्दू में जरा लिखने का रिवाज है। तो कहने के उतना उर्दू तुम जानते हो? तो मैंने कहा कि अभी वो तो सो गए, निश्चिंत थे, लेकिन मेरे मन में चिंता लगी हुई थी तो मुझे नींद कहाँ। तो मैंने आजमाइश करने के लिए अपने आप की मैंने एक उर्दू का गीत लिखा, अय बादे सबा इठलाती न आ, मेरा गुंचे दिल तो सूख गया, मेरे प्यासे लबों को छुए बिना पैमाना खुशी का टूट गया। तो पूरा लिख लिया। हमारी बात जो फिल्म बनी थी ना, वो देविका रानी जी की अंतिम फिल्म थी और मेरे लिए पहला अवसर था गीत लेखक के रूप में। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत पर तो उनका अधिकार था ही, गुजराती, मराठी, उर्दू और बांग्ला के भी वो अच्छे जानकार थे। शे दिन दूजोने डोले छेन बोने फूल डोर बांध झूलो ना, शे दिन दूजोने। बहुत बड़े संगीत निर्देशक थे श्री सचिन देव बर्मन, तो वो बड़ी बढ़िया ट्यून्स जो है क्या खोज के निकालते थे और बनाते थे, लेकिन ट्यून पे ही लिखना चाहिए। तो एक बार ये तय हुआ कि रविंद्र संगीत की एक ट्यून ली जाए, तो इस पे मुझे कहा लिखने के लिए अफसर फिल्म के लिए, नैना देवाने एक नहीं माने, करे मन माने माने ना, नैना दीवाने नैना दीवाने एक नहीं माने, करे मन माने माने ना, नैना दीवाने। एक मेरा ही गीत था ज्योति कलश चल के, बहुत लोकप्रिय हुआ। तो वास्तव में संगीत बद्ध अगर अच्छी रचना है तो उसमें शब्द चाहे संस्कृत से आए चाहे फारसी से आए, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। ज्योति कलश चल के, ज्योति कलश चल के, ज्योति कलश
अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द बहुत हैं, लेकिन तत्सम का अर्थ तो असली यही है ना कि जैसा वहाँ था, तत्सम यानी जैसा वहाँ था वैसा ही है। तो तत्सम शब्द फारसी से भी आ सकता है और तत्सम शब्द संस्कृत से भी आ सकता है। इस देश में हर भारतीय भाषा में संस्कृत की शब्दावली है, इसलिए उसको समझने में इतनी कठिनाई नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ पर एक बाधा पड़ती है वो ये है कि जैसे मैं, मुझे अनुभव है स्वयं अपना, कि कोई मान लीजिए मराठी भाषी जो हिंदी नहीं जानते ऐसे संगीत निर्देशक या के फिल्म निर्माता हैं, तो उनसे अगर हम ये पूछें कि ये गीत ठीक है कि नहीं मैंने लिखा है, तो वो कहते थे ये तो मेरी समझ में भी आ जाता है, तो ये फिर वहाँ कैसे समझ में आएगा। मैंने कहा जो आपकी समझ में आता है वो वहाँ भी समझ में आएगा। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर भी पंडित नरेंद्र शर्मा के लिए पुत्री समान थी। पंडित जी के परिवार से उनके बड़े ही घनिष्ठ संबंध रहे और हैं। सुनिए, मैं कभी कोई वस्तु ले जाती थी तो वो उनको बहुत खराब लगता था, तो मैं उनको बहुत मनाया करती। एक मतलब मुझे याद है कि उनकी बर्थडे थी, वो बहुत ही सिंपल रहते थे घर में, उनकी कोई ऐसी चीज नहीं होती थी, और बम्बई की गर्मी तो बहुत ज्यादा होती, तो मैं एक फ्रिज लेके गई उनके बर्थडे पे, तो उन्हें बड़ा खराब लगा, कहने लगी ये नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको बैठ के बहुत मनाया, मैंने कहा प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए, मेरी इच्छा है, फिर चुप हो गए। बहुत छोटी उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं उनको अपने पिता की जगह ही देखते आई। विविध भारती का कार्यभार संभालने से पहले पंडित नरेंद्र शर्मा फिल्म जगत में एक गीतकार के रूप में स्थापित हो चुके थे और लगातार सक्रिय थे, और ये सक्रियता बाद के दशकों में भी बनी रही। उनके गीतों से संपन्न अनगिनत फिल्मों में से कुछ के नाम हैं हमारी बात, रत्नघर, भाई बहन, फिर भी, ज्वार भाटा, सजनी, अफसर, उधार, माया बाजार, मालती माधव, चार आंखें, प्रतिमा, मेरा सुहाग, बिछड़े बलम, चूड़ियां, जेल यात्रा, भाई बहन, वनवासी, गोकुल का चोर, इनाम, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और सुबह। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम तीन अक्टूबर सन 1957 भारत में रेडियो प्रसारण में एक सुरीला अध्याय जुड़ा विविध भारती सेवा के रूप में। मेरे पिता ने यह प्रस्ताव रखा कि विविध भारती नाम से एक केंद्र स्थापित किया जाए जो आकाशवाणी का ही एक अंग हो, तो इसकी कल्पना मेरे पिता ने की और विविध भारती का ये नाम भी मेरे पिता ने ही सुझाया। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारत। हमारे इतने बड़े संस्थान में जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे कि जो निष्णात बुद्धिजीवी श्रोता ज्यादातर उसके लिए थे, अधिक संख्या
मैं वो अखिल भारतीय श्रोता है जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता, अंग्रेजी में कहें तो ले लिसनर। अब सामान्य श्रोता की जो आवश्यकताएं थी उसमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी होनी चाहिए, तो इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ। पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये वो गीत है जो भारत की सबसे लोकप्रिय प्रसारण सेवा विविध भारती के इतिहास का हिस्सा है। गूंजे दिश दिश मृदंग, प्रतिपल नव राग रंग, रिम झिम के सरे गमा पर, रिम झिम के सरे गमा पर, छिड़े तान पूरा नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। पंडित नरेंद्र शर्मा और इस गीत से जुड़ी अपनी स्मृतियों को टेलीफोन पर हमारे साथ बांटा मन्ना दा ने। मैं रिहर्सल करने के लिए अनिल विश्वास साहब के घर पे गया, लेकिन नरेंद्र जी बैठे थे, नरेंद्र शर्मा जी एक छोटा कद का आदमी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। नरेंद्र जी बोले मन्ना जी ये पहली मरतबा आप गा रहे हैं मेरे गाने, मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुश करने के लिए। आप क्या खुश करेंगे, अनिल जी के साथ काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत है कि अनिल जी मुझे चुना ये इस गाने के लिए। शैलेंद्र एक मरतबा मुझे पूछा कि इंदिरा में अच्छा गाना मन्ना दा क्या गाया आपने, एक गाना प्राइवेट सॉन्ग वो विविध भारती के लिए आनंद बनाए थे वो मुझसे गवाया उन्होंने, और फिर मैंने सुनाया नाच रे मयूरा खूल कर सहस्र नयन देख सगन गगन मगन, एक सर्स स्वप्न जो आज हुआ पूरा। शैलेंद्र जी बोला मन्ना दा क्या अनुप्रास है, देख सगन गगन मगन, ये नरेंद्र शर्मा सिवा कौन लिख सकता है। देख सघन गगन मगन, देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। विविध भारती पर पंडित नरेंद्र शर्मा परिकल्पित कई मनभावन कार्यक्रम शुरू हुए, जिनमें से कई के शीर्षक स्वयं पंडित नरेंद्र शर्मा ने रखे। उनमें से कुछ के नाम हैं हवा महल, जयमाला, चौबारा, गुंजन, बेला के फूल और छाया गीत। पंडित नरेंद्र शर्मा के लिए अपने पराए का कोई भेद नहीं था, वो सबके थे और सब उनके। जो भी उनके संपर्क में आया उसने उनसे प्रेम स्नेह और वात्सल्य पाया। फिल्म गमन के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित छाया गांगुली के शब्दों में, 1978 में मुझे पहली बार पंडित नरेंद्र शर्मा जी के सानिध्य का अवसर मिला। उस साल जन्माष्टमी के अवसर पर संगीतकार जयदेव जी ने मुझे दूरदर्शन के आरोही कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें मुझे जयदेव जी के संगीत निर्देशन में गाना था। इस कार्यक्रम में मेरे साथ कविता कृष्णमूर्ति और असित देसाई ने भी भाग लिया था। ये हमारा सौभाग्य था कि इस कार्यक्रम का संचालन स्वयं पंडित नरेंद्र शर्मा जी जैसे महान कवि और गीतकार कर रहे थे। 1983 में मेरे गाए भजनों का पहला एलपी रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसके संगीत निर्देशक थे जयदेव जी। रिकॉर्डिंग के पहले जयदेव जी मुझे पंडित नरेंद्र शर्मा जी के निवास स्थान पर उनसे आशीर्वाद दिलाने ले गए। आज भी मैं ये सोचकर भाव विभोर हो जाती हूँ कि पंडित जी ने न केवल भजनों को देखा बल्कि उन्होंने मुझे उनका अर्थ भी समझाया और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। फिर एक सुखद संयोग तब आया जब पंडित जी विविध भारती के कार्यालय में 26 जनवरी पर एक विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए पधारे थे। रिकॉर्डिंग में काफी समय था इसलिए वो मेरे कक्ष में ही बैठे रहे।
और इस दौरान उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और एक पिता और पालक की तरह मुझे जीवन की बहुत सारी बातें समझाईं। वो बातें आज भी जीवन सूत्र की तरह मेरा मार्गदर्शन करती हैं। मुंबई पंडित नरेंद्र शर्मा की कर्मभूमि थी और यहाँ रहते हुए वो फिल्म जगत में जहाँ गीतकार के रूप में सक्रिय थे, वहीं कला और साहित्य की गतिविधियों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर उनका मार्ग प्रशस्त करने में वो हमेशा आगे रहते। आप हैं संगीतकार तुषार भाटिया। मेरा उनके साथ जो परिचय हुआ सबसे पहले वो म्यूजिक इंडिया में जब मैं प्रोड्यूसर था तो पहला एल्बम की जो रिकॉर्डिंग थी भजनों की, लता जी के राम रतन धन पायो एल्बम था, तो पंडित जी वहाँ सुपरविजन के लिए आते थे और लता जी का ये था कि बिना पंडित जी के वो कभी रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। तो पंडित जी के साथ धीरे धीरे ऐसे काम के हिसाब से संबंध बढ़ता गया और ये होता था कि जब भी मैं उनको करेक्शन के लिए स्क्रिप्ट भेजता था तो एक दफा हुआ था कि लिफाफे पे मैंने लिखा था प्रति पंडित नरेंद्र शर्मा, तो लिफाफा करेक्ट होके जब वापस आया तो पंडित शब्द उन्होंने काट दिया था। तो एक ये मुझे बात इतनी छू गई कि इतने बड़े विद्वान हिंदी साहित्य के, इतने महान लेखक कवि और इतने नम्र, फिर जब ही उनके घर जाते थे और वो प्रसाद लेके आते थे भगवान का अपने हाथों से, एक छोटी सी बेसन की लड्डू, और ऐसा भी होता था मेरे मन में काफी जिज्ञासा होती थी तुलसीदास, सूरदास, महादेवी जी हुए, रविन्द्रनाथ हुए, इनके काव्य के बारे में। तो उनका घर जो था खार और हमारा स्टूडियो होता था वेस्ट नॉडो स्टूडियो जो था फाउंटेन पे, तो जैसे मैं कोई प्रश्न करता था कि उदाहरण के स्वरूप श्री रामचंद्र कृपालु भजमन समझाइए, तो अपना वक्तव्य ऐसे शुरू करते थे कि जैसे कुछ सोच के आए हों। गाड़ी शुरू होते ही वो समझाना शुरू करते थे पहली पंक्ति, और जैसे स्टूडियो होता था वो इति वदति तुलसीदास वाली पंक्ति आती थी और खत्म होता था। फिर HMV में जब मैं आया तो वहाँ भीमसेन जी लता जी की जो एल्बम्स हुए और उसके अलावा सुंदरकांड, संपूर्ण सुंदरकांड, ये सब एल्बम्स, तो सही माने में कहूँ कि हिंदी बोलने का और हिंदी के उच्चारण का जो एक अनुभव मुझे हुआ वो पंडित जी को स्टडी करके, और मेरी सारी झिझक जो हिंदी बोलने की झिझक थी वो उन्होंने हटा दी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात मेरे जीवन की जो है, आज मैं एक संगीतकार के रूप में काम कर रहा हूँ पिछले 25 वर्ष से, उसका जो श्रेय है, मेरा संगीतकार होने का जो श्रेय है वो पंडित जी को जाता है। जब उनके घर जाता था मैं तो आप सोच लीजिए मेरी उम्र करीब 24-25 साल की होगी, उनकी उम्र करीब 75 साल की होगी, वो अपने हाथों से पानी का प्याला भर के लेके आते थे, मैं खड़ा हो जाता था, पंडित जी क्या कर रहे हैं, मैं ले लेता हूँ, नहीं नहीं ऐसे, और फिर वो प्रसाद की लड्डू। और उसके अलावा भाभी जी, दिव्य था वो युगल ऐसा कहना चाहिए, कभी शाम को मुझे याद है उनका जो बरामदा था वहाँ शाम को बैठते थे तो वो चांदनी छटती थी वो आम के पेड़ से, और ये दोनों बैठे हुए हैं, मैं सामने बैठा हूँ, कुछ साहित्य की चर्चा हो रही है, कुछ रविन्द्रनाथ की बात हो रही है, कुछ महादेवी जी की बात हो रही है, और ऐसे सुंदर थे दोनों के, बस राम सीता की जोड़िया समझ लीजिए, मेरे लिए तो आराध्य हैं, बात स्मरणीय दोनों। सन 1982 भारत में आयोजन किया गया एशियाई खेलों का, इस प्रतिष्ठित खेल कुंभ के उद्घाटन समारोह का गीत रचा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने, जिसे संगीत से संवारा था सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने। नामचीन गायक अशित देसाई इस गीत की रचना प्रक्रिया के साक्षी रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में, मुझे याद है 1982 में जब पंडित रविशंकर जी को सौंपा गया था एशियाड 82 का गाना कंपोज करने के लिए, तो हमसे भी पूछा गया था कि भी ऐसा गाना जो राष्ट्र के लिए हो, खेल के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, कौन लिख पाएगा, तो शायद सबकी आवाज एक ही तरफ जा रही थी और वो थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, और तब मेरे साथ पंडित विजय राघव राव जी भी थे और पंडित रविशंकर जी का तब मैं असिस्टेंट हुआ करता था। तो ये 1982 एशियन गेम्स के लिए जो थीम सॉन्ग लिखना था, तो पंडित जी को पहले रिक्वेस्ट करी हमने कि आप लिखें, तो बम्बई से स्पेशली आए दिल्ली, और पंडित जी मतलब रविशंकर जी ने कहा कि आप पहले शब्द कुछ लिखिए और मैं उस पे कंपोज करूंगा। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा म्यूजिक का आभास थोड़ा सा दे दीजिए, किस तरह का आपको चाहिए, और दोनों ने एक दूसरे को अपना काम दे दिया। और 10 मिनट के बाद जब मिले तो रविशंकर जी एक ट्यून लेके आए थे और पंडित नरेंद्र शर्मा जी अपने वर्ड्स लेके आए थे, और मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी को भी कुछ भी चेंज करना पड़ा। जैसे
भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि आपका ऐसा ट्यून होगा और आपके ऐसे वर्ड्स होंगे, और करीब मेरे हिसाब से 10 मिनट में पूरा गाना लिखा भी गया था और कंपोज भी हुआ था। ये गाना पंडित रविशंकर जी ने खुद ने एक राग बनाया है जनसम मोहिनी, जो कलावती राग में ऋषभ लगा के जो बनाते हैं वो राग पे उन्होंने कंपोज किया। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। संगीत, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा और रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में पंडित नरेंद्र शर्मा ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। गूंजे दिश दिश मृदंग, प्रतिपल नव राग रंग, रिम झिम के सरगम पर। आज का ये कार्यक्रम समर्पित था कवि और गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा को। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।